Hello everyone, so welcome back on my channel Nutan Online Study. So today we are going to learn about future tense. In previous video we have learned about present tense and past tense and its forms also. We have discussed in previous video. If you haven't watched that video yet, I will give the link in the description box below. You can watch all my videos there. So today we are going to learn about future tense, जिसे हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं. तो आज हम लोग भविष्यकाल के बारे में जानेंगे और उसके फॉर्म्स देखेंगे, ठीक है. तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. तो चलिए हम लोग डीप में जानते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होता है और उसके फॉर्म्स क्या होते हैं और इस पर हम लोग सेंटेंस भी बनाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है. इसकी पहचान क्या होती है? खेलूंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, ठीक है, जो कि हम भविष्यकाल में जो हमें काम करना है. जैसे मैं टीवी देखूंगी, राम स्कूल जाएगा, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जाऊंगा, खेलूंगा, खाऊंगा, हंसूंगा, ठीक है. इस तरीके के अगर आपको सेंटेंस नजर आते हैं तो वो होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है. तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लीजिए. सेंटेंस आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है. तो ये क्या है? भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस. आगे देखिए, शी विल राइट अ लेटर, यानी वो लेटर लिखेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल. राम विल प्ले, यानी राम खेलेगा, तो अगर राम खेलेगा ये भी हम लोग फ्यूचर टेंस में ही इसे कहेंगे. दे विल वॉच टीवी, वे लोग टीवी देखेंगे, तो ये सभी क्या है? भविष्यकाल यानी फ्यूचर का फ्यूचर टेंस. अब हमें इसमें सेंटेंस कैसे बनाने हैं, क्योंकि इसमें फोर फॉर्म्स होते हैं, ठीक है. तो हम लोग सबसे पहले उन फोर फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं. तो चलिए अब हम लोग फ्यूचर टेंस के फोर फॉर्म्स देख लेते हैं. फ्यूचर टेंस के फोर फॉर्म्स हैं सिंपल फ्यूचर, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो आज हम अपने इस वीडियो में ये दो पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है, और बाकी की जो सेकंड पार्ट है उसमें ये दोनों फॉर्म हम लोग कवर करेंगे. तो चलिए सिंपल फ्यूचर क्या होता है और उसके रूल्स क्या है ये हम लोग जान लेते हैं. सो सबसे पहले आज हम लोग फ्यूचर टेंस का फर्स्ट फॉर्म है सिंपल फ्यूचर, यहाँ पे देखिए, जिसे फ्यूचर इंडेफिनेट भी कहेंगे, ठीक है. अब इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, लिखेगा, खाऊंगा, खेलूंगा, पढ़ेंगे. जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, सीता लिखेगी, या मोहन लेटर लिखेगा, राम स्कूल जाएगा, इस तरीके के, यानी जाएगा, खाएगा, खेलेगा, हंसेगा, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं सिंपल फ्यूचर, ठीक है. अब हम लोग इसका रूल देख लेते हैं, इसका रूल बेसिकली क्या होता है. तो इसका रूल देखिए, तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस वी विल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो हमें शॉल या विल में से कोई एक यूज करना होता है. शॉल और विल का भी यूज मेरे चैनल पे है और आप लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग शॉल और विल कब यूज करना चाहिए. तो ये इसका जो है रूल है, ठीक है. तो अब इसके हिसाब से अगर हमें सेंटेंस बनाने होते हैं, जो हम काम फ्यूचर में कर रहे हैं वो सिंपल है, जैसे कि मैं खाना खाऊंगा या तो सीता मंदिर जाएगी, तो हम लोग इसको इस रूल के हिसाब से हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सीता, और शॉल विल में से हमें कुछ यूज करना होगा, हम यूज करते हैं विल, ठीक है. वी वन क्या है? वी वन मतलब यहाँ पे जाएगी,
ठीक है, विवन, क्योंकि विवन मतलब होता है क्रिया, तो जाएगी, तो सीता विल गो, तो यहां पे देखिए सीता क्या हो गया सब्जेक्ट, और शॉल विल में से हमने विल यूज किया है यहाँ पे, और विवन यहाँ पे हो गया वो, और टू टेम्पल हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरीके के हम तीन चार सेंटेंस और बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने फोर सेंटेंस बना लिया है। दे विल प्ले यानी वे लोग खेलेंगे, शी सीता विल राइट अ लेटर यानी सीता लेटर लिखेगी, राम विल ईट अ केक यानी राम केक खाएगा, दे विल प्ले यानी वे लोग खेलेंगे। तो हमने क्या समझा यहाँ पे कि सिंपल फ्यूचर जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल होते हैं, जैसे कि मैं खेलूँगा, खाऊँगा, हंसूँगा और लिखूँगा, इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं इससे हम लोग सिंपल फ्यूचर कहते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है, इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाने होते हैं इस तरह का रूल यूज़ करके, ठीक है। तो हम अब आगे देखते हैं, तो अब हम लोग सेकंड फॉर्म देख लेते हैं। सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि खेल रहा होगा, खा रहा होगा, खेल रहा होगा, खा रहा होगा, जा रहा होगा, लिख रहा होगा, इस तरीके के सेंटेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें फ्यूचर में अगर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाना है तो हमें किस तरीके से बनाना होगा, यहाँ पे देखिए इसका रूल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस शॉल विल प्लस बी प्लस विवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका रूल। तो चलिए इसके हिसाब से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि सीता मंदिर जा रही होगी, किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट होगा सीता, तो सीता हम लोग ये लिखेंगे सीता विल, ठीक है, ये बी हो जाएगा, विवन क्या होगा गोइंग टू टेम्पल, सीता विल बी गोइंग टू टेम्पल यानी सीता मंदिर जा रही होगी, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम और भी सेंटेंस बनाएं तो वे लोग खेल रहे होंगे, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, दे विल बी प्लेइंग, ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे होंगे तो कैसे बनाएंगे, वी विल बी स्टडी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक और सेंटेंस बना लेते हैं, राम केक खा रहा होगा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे राम विल बी ईटिंग अ केक यानी राम केक खा रहा होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है दोनों के बीच का डिफरेंस, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी सिंपल फ्यूचर का और फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपको डिफरेंस समझ में आ गया है। सिंपल फ्यूचर कैसा होगा, मैं स्कूल जाऊंगा, राम खेलेगा, सीता लेटर लिखेगी, इस तरीके के सेंटेंस आएंगे सिंपल फ्यूचर में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे होगा, सीता खेल रही होगी, राम लिख रहा होगा, वे लोग मंदिर जा रहे होंगे, ठीक है, तो ये दोनों इनके बीच का डिफरेंस है, ठीक है।
तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बाकी के बचे हुए फॉर्म, जिसमें कि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका सेकेंड पार्ट हुआ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।